के मात पिता और गुरु संत की मात पिता और गुरु संत की सेवा करनी चाहिए। और इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए, स्वर्ग लोक में जाइए। मात पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पकड़ के स्वर्ग लोक में जाइए, स्वर्ग लोक में जाइए। श्रवण जो माता पिता का परम भक्त हुआ, उसकी पत्नी ने एक हंडिया बनवाई थी कुम्हार से और उसमें बीच में दीवार लगवा ली। एक खाने में दलिया बनाती, एक खाने में खीर बनाती। दलिया सास ससुर को दे देती और खीर अपने पति को और अपने आप खाती। और जब एक दिन श्रवण ने बूझ लिया, माँ आज तो खीर बड़ी स्वाद थी, कहने लगे बेटा खीर कहां दलिया बना आज तो। नुके नहीं आज तो खीर बनी है, नुके हमने तो दलिया खाया है। उससे पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने हंडी देख ली और हंडी में वह दीवार देखी। नुके ओहो, ये खीर तो एक महीने में 5-7 बार बनती है, माँ तुम्हें कभी मिली? नुके ना, हमें आज तक नहीं मिली। तो कहने लगा कि तू तो चली जा अपने पीहर, और मैं माता पिता को ले आऊंगा 68 तीर्थ धामों की यात्रा करवा करके। और फिर आगे की कहानी पंडित जी ने किस तरह से समझाई। धर्मेंद्र गंडाड़ा 50 रुपए देते, धन्यवाद।
विष्णु ने करे नाच जी, विष्णु ने कर नाची दी। प्रहलाद भगत दिया जोड़ खंप के लागी नहीं आँच दी। कुंती ने वरदान लिए जिन पुत्र जने पाँच जी, पुत्र जने पाँच जी। और धर्म भीम सहदेव नकुल से, धर्म भीम सहदेव नकुल से अर्जुन से बाण चलिए। चरण पूजा